नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर अब किसी भी क्षण किसी भी पल कांग्रेस से बड़ी खबर आ सकती है। ये चर्चाएं कल से ही चल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और आज राहुल गांधी के वकील केसी कौशिक अमेठी पहुंचे और उन्होंने राहुल के नाम से नामांकन फॉर्म लिया है, ये कहा जा रहा है। तो ये तय माना जा रहा है कि कल यानी पांचवें फेज के लिए नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी अमेठी से पर्चा दाखिल करेंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी हमेशा की तरह मौजूद रहेंगी और उसके बाद प्रियंका गांधी के भी रायबरेली से पर्चा भरने की खबरें हैं। कितनी सच्चाई है ये थोड़ी देर बाद जैसे ही घोषणा होगी आप तक हम पहुंचा देंगे। फिलहाल इन दोनों के नाम पर कयास ही लग रहे हैं, लेकिन अब उन कयासों पर पूर्ण विराम लगने का वक्त नजदीक आ रहा है और हो सकता है कि अब से कुछ ही देर में, जैसा पहले भी कह रहा था, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बड़ा ऐलान कर दें। खैर, जब ये ऐलान होगा तब उस पर हमारी चर्चा होगी ही, लेकिन आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों कर्नाटक में थे। वही कर्नाटक दोस्तों जहां से कुछ वक्त पहले कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है और अब बीजेपी की कारगुजारियों के कारण उसे देश की सत्ता से बेदखल करने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। कर्नाटक में बीजेपी इस बार प्रज्वल रेवन्ना मामले में बुरी तरह से फंस गई है। आप जानते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना कौन है। अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी ने मोदी पर सवाल उठाए और इस मामले की गंभीरता को सामने रखा, वो जनता के बीच चर्चा का मुद्दा बन गया है। आइए जरा सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे, सुनिए। प्रज्वल रमन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, प्रज्वल रमन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। और कर्नाटका की हर महिला को मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रमन्ना ने क्या किया था। सबसे बड़ी बात यहां राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री उस रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे तो उनको पता था कि वो किसके लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उसकी कारगुजारियां उस समय जगजाहिर थीं और खासकर प्रधानमंत्री को तो पता था ही। महिलाओं को सचेत करते हुए, कर्नाटक की महिलाओं को सचेत करते हुए राहुल गांधी यहां अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। राहुल के इसी मसले पर राहुल गांधी ने बाद में पत्रकारों से भी जो कुछ कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं कि पत्रकारों से चर्चा में वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, सुनिए। पता है, मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे सबसे बड़ा इशू, ये जो यहाँ पे जो रवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे महिलाओं से। थैंक यू वेरी मच। तो रेवन्ना कांड के अलावा राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर भी बीजेपी को आज घेरा है। राहुल गांधी ने इस बार मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष को भी निशाने पर लिया और क्या कुछ कहा। बीजेपी अध्यक्ष को निशाने पर लेते हुए, प्रधानमंत्री को तो लेते ही हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा के बारे में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। ये जो चुनाव है, ये पहला ऐसा चुनाव है जहां एक पार्टी और एक गठबंधन कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और दूसरी संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की, रद्द करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता से मिलकर एक साथ ये संविधान देश को दिया। संविधान से पहले देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई अधिकार नहीं थे। संविधान के आने से पहले अगर आप गरीब थे तो आपके कोई अधिकार नहीं थे। अगर आपको वोट मिला तो इस संविधान ने, इस किताब ने वो आपको वोट दिया है। किसानों को सिंचाई का पानी, हरी क्रांति,
सफेद क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे चीज ये इस किताब ने आपको दिए हैं। और अब बीजेपी के नेता सीधा बोल रहे हैं कि वो इस संविधान को बदल देंगे और खत्म कर देंगे। संविधान कहता है कि देश में सब जात के लोग एक समान हैं, देश में समानता होनी चाहिए। कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा ने साफ कहा है कि अगर कोई समानता के लिए लड़ रहा है तो वो माओवादी है। मीडिया को नड्डा जी कह रहे हैं कि वो इस किताब के खिलाफ हैं, क्योंकि ये किताब समानता मांगती है, और बीजेपी के प्रेसिडेंट कह रहे हैं अगर कोई समानता मांगता है तो वो माओइस्ट है। नड्डा जी का कहना है कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को समानता नहीं मिलनी चाहिए, अधिकार नहीं मिलने चाहिए। और प्रधानमंत्री ने नड्डा जी के स्टेटमेंट के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आजकल प्रधानमंत्री की चुप रहने की आदत है। तो नड्डा जी से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और समानता, इक्वेलिटी की बात यहां करते हुए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का कहना है कि कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अगर कोई समानता के लिए लड़ रहा है तो वो माओवादी है। इसका मतलब बीजेपी मानती है कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को समानता नहीं मिलनी चाहिए। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठी बातें फैलाकर अपने लिए बड़ी सिरदर्दी मोल ली है। दोस्तों, कांग्रेस का दुष्प्रचार करने के चक्कर में बीजेपी अपनी पोल खोल रही है। जैसे आज नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो वहां उन्होंने फिर से पाकिस्तान का राग छेड़ दिया। अभी आप याद कीजिए कि 2-3 दिन पहले हम लोग इसी कार्यक्रम में कह रहे थे कि अभी तक मोदी जी के भाषणों में पाकिस्तान नहीं आया है। अभी तक मोदी जी के भाषणों के दौरान उनकी आंखें जो है गीली नहीं हुई है, यानी वो रोए नहीं है। तो पाकिस्तान तो आ गया, अब कब वो रोएंगे इसका इंतजार कीजिए। तो आज गुजरात में नरेंद्र मोदी थे और पाकिस्तान का राग उन्होंने छेड़ दिया और बताने लगे कि कांग्रेस के जमाने में पाकिस्तान से आतंकी आते थे और अभी कितनी शांति है हिंदुस्तान में। लेकिन ऐसा कहते वक्त मोदी शायद पुलवामा को भूल गए। ज्यादा इधर उधर की हम बात नहीं कर रहे हैं, पुलवामा जैसी घटना और जिसका जिक्र न सिर्फ दुनिया ने बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये मामला जो है पाकिस्तान, हिंदुस्तान और आतंकवाद से रिलेटेड ही है। और ये साल था 2019 का, महीना था फरवरी का, चुनाव से ठीक पहले, और उस समय शासन यानी सरकार थी नरेंद्र मोदी की। तो किस कांग्रेस शासन की बात कर रहे हैं वो। इसके अलावा एक लंबी फेहरिस्त है, पिछले 10 साल में पाकिस्तानी या ऐसे कहें सीमा पार से आतंकी गतिविधियों में कितना बढ़ावा हुआ है, बढ़ोतरी कितनी हुई है, और उसके साथ साथ कितने आतंकी गतिविधियों में हमारे जवान शहीद हुए हैं, उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद पुलवामा को भूल गए, जिसमें हमारे सैनिक जो हैं एक नहीं बल्कि 40 सैनिक सरकार की लापरवाही के कारण शहीद हुए। मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार करने की जगह केवल कांग्रेस को कोसने में लगे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने आज मोदी को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा दिया है। आइए जरा प्रियंका गांधी को सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। तो जवाबदेही होती थी पहले, इंदिरा जी को मैंने देखा, राजीव जी को देखा। एक जमाने में राजीव जी के साथ जब गांव जाती थी, डांट पड़ती थी उन्हें गांव वालों से, उन्हीं के जो संसदीय क्षेत्र में अमेठी में डांट देते थे कि भाई राजीव भैया आपने हमारी सड़क नहीं बनाई, आओ चाय पियो बैठो हमारे साथ, लेकिन वोट हम तभी देंगे जब सड़क बनेगी। जागरूकता बहुत थी, प्रधानमंत्री से सवाल उठा सकते थे कि हमारी सड़क क्यों नहीं बनाई। आज वो जागरूकता जो है कम हो गई है। आज आपके सामने नेता आते हैं, आपको उकसा देते हैं, धर्म की बातें कर लेंगे, कह देंगे कि आपका धर्म संकट में है या फिर आपकी परंपराएं सुरक्षित नहीं है, और उसी के आधार पर फिर आपका वोट ले लेंगे। तो फिर नेता को लगने लगा है कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आपको सड़क मिले, पाठशाला मिले, सही वेतन मिले, रोजगार मिले, उसको कोई परवाह नहीं है। वो तो जानता है वोट तो उसको मिलना ही है, उसको बस धर्म का नाम लेना है। तो ये जो सिलसिला है ये आपकी जागरूकता से ही खत्म हो।
खैर तो राहुल गांधी और प्रियंका की जोड़ी बीजेपी पर हमेशा 21 साबित हुई है दोस्तों, और इस बार भी ऐसा ही दिख रहा है। खैर बड़ा सवाल यह है कि कल जब अमेठी और रायबरेली से राहुल प्रियंका पर्चा भरेंगे तब बीजेपी की हालत कैसी होगी, क्या होगा अब अमेठी और रायबरेली का सियासी समीकरण, क्या इस समीकरण से बदल जाएगा बीजेपी का चुनावी गणित, इन सब पर चर्चा करेंगे। और बाद में एक और बाइट सुनाऊंगा प्रियंका गांधी का, उनकी एक और शहादत, जो अभी शहीद की मैं बात कर रहा था, शहादत को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। अभी से कुछ देर बाद रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस का कौन होगा प्रत्याशी, इसकी घोषणा होगी। और अभी से कुछ देर पहले बीजेपी ने रायबरेली से, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का प्रत्याशी, बीजेपी की प्रत्याशी अमेठी से स्मृति ईरानी सीटिंग एमपी हैं, वो तो हैं ऑलरेडी, लड़ रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि उनके सामने कौन होगा, राहुल गांधी होंगे या कोई और होगा। और उधर रायबरेली से घोषणा बीजेपी ने कर दी है। आना चाहता हूं सीधा पहले शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी क्या कुछ खबरें आप तक हैं, कांग्रेस खेमे में क्या कुछ, कितनी हलचल है, क्या कुछ चल रहा है? हमारी टीम उधर लगातार पिछले 3 दिनों से डेरा डाले हुए है रायबरेली और अमेठी में, लगातार हर तरह की खबरें हम पहुंचा रहे हैं अपने तमाम साथियों तक। और जो साथी नहीं देख पाए हों जरूर देखिएगा, अलग अलग वीडियो में उपलब्ध हैं वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट अमेठी और रायबरेली की। लेकिन उससे पहले हम यहां समझना चाहते हैं कि क्या कुछ कांग्रेस बीजेपी ने रायबरेली से अपने प्रत्याशी को उतार दिया है दिनेश प्रताप सिंह को, और इधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंतजार, कब तक इंतजार होगा शकील अख्तर जी? और क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी लगभग फाइनल हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने ही ये खबर ब्रेक की थी, उसके बाद से अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर तैयार हैं, बस इधर से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, रथ भी तैयार है और कल राहुल गांधी के साथ उस रथ पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ, और यहां से कांग्रेस की राजनीति, इंडिया गठबंधन की राजनीति और आगे की ओवरऑल लोकसभा चुनाव की राजनीति, दिशा सब कुछ बताइए। अमेठी रायबरेली में क्या होगा, निश्चित तौर पर इससे यूपी के आने वाले 5 चरणों के चुनाव में और शेष भारत के चुनावों में व्यापक असर पड़ेगा। अभी थोड़ा सा ये कहना मुश्किल है कि घोषणा कब होगी, लेकिन कल आखिरी तारीख है नामांकन की, 5वें चरण के चुनाव है वहां पे 25 मई को, तो होना ही है, वो अभी हो जाए या थोड़ी देर बाद हो या सुबह हो, ये कांग्रेस अपने हिसाब से करेगी। लेकिन ये बात सही है कि अमेठी और रायबरेली की जनता जो है प्रियंका और राहुल को वहां चाहती है, कि प्रियंका और राहुल वहां से लड़ें। और अमेठी में जो उससे गलती हुई है पिछली बार 2019 में, उसको लेके वाकई अमेठी के लोगों को बड़ा दुख है कि उन्होंने एक ऐसी गलती करी कि जिस परिवार को हमेशा जिताते रहे और जिस परिवार ने वहां इतना काम किया है अमेठी का, हमने आपको शायद पहले भी बताया है कि वहां की जो सारी जमीन थी वो अनुपजाऊ थी, वहां कुछ होता नहीं था अमेठी में, उस जमीन को पूरी की पूरी राजीव गांधी ने बदलवा दी, भूमि परिवर्तन, उसको वैज्ञानिक विधि से, रासायनिक तरीके से, और आज वहां पे सब जगह ऐसी फसलें लहलाती हैं कि लोग देख के आश्चर्य करते हैं। तो राजीव गांधी ने वहां बहुत काम किया है अमेठी में। संजय को तो टाइम कम मिला था, पहला चुनाव वो 77 में लड़े थे संजय गांधी वहां से, और 77 की हवा ऐसी थी कि इंदिरा गांधी भी हारी थी रायबरेली से और संजय भी हारे थे, लेकिन 80 में संजय जीते थे अमेठी, और लेकिन उसके बाद वो ज्यादा दिन तक रहे नहीं, एक बहुत ही दुखद एक्सीडेंट हो गया था उनके जहाज का, सबको मालूम है वो,
खैर, तो वहां से एक बड़ा कांग्रेस का और परिवार का बड़ा गहरा नाता रहा है, और केवल अमेठी नहीं रायबरेली से भी रहा है। रायबरेली तो आपको मालूम है कि जब से ये सीट बनी है 1952 से, यानी कि पहले चुनाव से, तब से परिवार के पास रही है। 1952 में फिरोज गांधी लड़े और जीते, 57 में वो जीते, और उसके बाद फिर 67 में इंदिरा गांधी आ गई थी वहां से, और वो जीतती रही जब 77 में हारी, उससे पहले तक 80 में फिर जीती वो, और फिर 2019 का जो आखिरी चुनाव था, सोनिया गांधी वहां से लड़ी और जीती। तो ये इतिहास ऐसा है वहां का कि वहां के सारे लोगों को जबानी याद है, और वो ये भी याद करते हैं कि यहाँ पे ही जो सबसे बड़ी महारानी हुआ करती थी, जिसको भाजपा राजमाता कहा करती थी, विजय राजे सिंधिया, उनको भी ले आए थे ये 1980 में जी। तो इंदिरा जी ने उनको भी हरा दिया था। शरद यादव भी एक बार अमेठी लड़ने चले गए थे, वो भी हार गए थे। जनेश्वर मिश्रा भी चले गए थे, वो भी हार गए थे। तो ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, ये वहां के लोग जो है परिवार को बहुत चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या होता है, कौन लड़ता है, कहां से लड़ता है। देखिए एक बात हम बता दें, इस मामले में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो परिवार के मामले में बात होती है तो ये ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर आप खास तौर से राहुल की बात करें तो राहुल के बारे में शायद ही किसी को मालूम होता होगा कि राहुल का निर्णय क्या होगा, वो राहुल को ही मालूम होता है। लेकिन जहां तक प्रियंका की बात है तो वो राहुल और सोनिया सबसे मिलके अपने फैसले लेती हैं, तो देखते हैं कल क्या होता है। कल नामांकन भरा ही जाएगा, कौन लड़ता है, कहां से लड़ता है, क्या होगा। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल लड़ेंगे, या थोड़ा बहुत इधर उधर की भी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि राहुल रायबरेली से लड़ जाए। कई तरह की अभी बातें हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर सबसे बड़ी बात यह कि यूपी की जनता भी ये चाह रही है कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उस माहौल को और तेज करने के लिए बड़ा जरूरी है कि राहुल और प्रियंका वहां से लड़े जाके चुनाव। और देखिए राहुल और प्रियंका अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप निश्चित मानिए कि अभी जो है करीब 350 सीटों का चुनाव बचा हुआ है। पहले जो दो चरण हुए हैं उनमें भी कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को एज बताई जा रही है। मोदी जी आज जो बात कर रहे हैं तो उसका कारण ये दो फेस के चुनावी तो हैं। आप देखिए कि धर्म की बात करते करते वो भैंस तक पे आ गए, कितनी आश्चर्यजनक बात है। और वो तो राहुल ने सारी गड़बड़ कर दी कि बोल दिया अब मोदी जी को आप रोता हुआ देखेंगे। अब मोदी जी को राहुल को तो गलत साबित करना है, इसलिए रोने वाला एपिसोड तो शायद लोगों को देखने को नहीं मिले। लेकिन वो अभी अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान को ले आए। अरे पाकिस्तान में तो आप गए थे बिना बुलाए हुए, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ को आपने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। मनमोहन सिंह कांग्रेस के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, नहीं गए थे ना, कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, कोई कहानी नहीं है ना, कोई झूठ सच नहीं है। 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं गए, सबको मालूम है ये बात। और 2014 में आपने बनते ही नवाज शरीफ को बुलाया था, नवाज शरीफ यहां पे आए थे। अब आप बात करते हैं पाकिस्तान की और कहते हैं कि ये हो जाए, अभी तो बड़ी गंभीर बातें कर रहे हैं वो, पूरी दुनिया देख रही है। भारत की छवि इतनी खराब हो रही है कि भारत कुछ था ही नहीं था यहाँ पे, वो भाषा फिर से बोलने लगे, वो जो कहते थे कि लोगों को अपने जन्म पे शर्म आती थी, फिर से बोलने लगे वो भाषा, वो कि 10 साल में ही सब कुछ हुआ है। कितना आश्चर्य की और दुख की बात है ये। आप बात करते हैं और उस बात को भूल जाते हैं, फिर नया आप गोल पोस्ट सेट कर देते हैं, परिवारवाद की बात करते थे। भाई परिवारवाद की बात सुनी आपने, कैसे बोलेंगे? अरे परिवारवाद तो ये होता है कि परिवार का दबदबा रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को देना पड़ा आपको टिकट, नहीं काट पाए आप। अभी जो रेवन्ना की बात हो रही है प्रज्वल की, जिसने दुनिया भर में भारत की छवि खराब करी है, राहुल ने भी कहा कि मास रेप, सामूहिक बलात्कार, 400 महिलाओं के साथ
3000 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स हैं और उससे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने ही तो भारत की छवि खराब की थी। वो अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान जो दुनिया भर से मेडल जीत के लाई थी, जो किसी से दबती नहीं थी, डरती नहीं थी, अखाड़े में जिनसे अच्छी अच्छी पहलवान डर जाती थी वो रो रही थी, वो रो रही थी प्रधानमंत्री के घर के बाहर अपने मेडल रख के चली आई थी। तो उस ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को आपको टिकट देना पड़ा, आप नहीं काट पाए। परिवारवाद ये होता है, उस परिवार से आप नहीं लड़ पाए। पूरी दुनिया में फिर मैसेज चला गया एक बार, रेवन्ना का तो गया ही, प्रज्वल का, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का भी चला गया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं बहुत गंभीर है और इसीलिए अमेठी रायबरेली की जनता कह रही है, यूपी की जनता कह रही है, बाकी लोग भी कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि ये मौका अच्छा है, इस मौके को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। और इस जो गति आई है चुनाव में, जो माहौल बना है, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, क्या शाम रात तक क्या होता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि हमारे इस कार्यक्रम के दौरान ही उधर घोषणा हो जाए रायबरेली और अमेठी को लेकर, क्योंकि कई सारी ऐसी सूची जो ऐसी लिस्ट है वो इसी दौरान आई हैं और हम सबको भी इंतज़ार रहेगा कि इस कार्यक्रम के दौरान ये आधिकारिक तौर पर हमें पता चल जाए, मालूम हो जाए कि आखिर अमेठी से क्या राहुल गांधी लड़ेंगे और प्रियंका क्या रायबरेली से लड़ने वाली हैं। हालांकि तैयारियां उधर जोरों से हैं और थोड़ी देर में हमारी सहयोगी बुशरा खानम जुड़ेंगी जो अमेठी में हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वहां चल क्या रहा है। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, शकील जी को भी आप सुन रहे थे और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ। अमेठी रायबरेली और यहाँ से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी दुनिया भर की सबकी निगाहें अमेठी पर टिकी हुई हैं, और क्या यहाँ से अगर राहुल गांधी, जिनका नाम लगभग बोला जा रहा है कि तय है, लड़ते हैं, तो क्या आप चुनाव में कुछ परिवर्तन देखेंगे, मोदी जी की भाषा को और बदलते हुए देखेंगे? राजीव जी, मैं तो उसी इलाके से आता हूँ जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। जीवन में पहली बार, जीवन में पहली बार मैंने विदेशी पत्रकार और टीवी कैमरा रायबरेली में ही देखा था जब मैं स्कूल में था। तो वहाँ की राजनीति, पूरे दुनिया का मीडिया वहाँ आता रहा है, और जैसा शकील जी ने कहा, बता दिया तफसील से, मैं भी एक बार बता चुका हूँ कि रायबरेली एक ऐसी सीट है जो कि भारत का, आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास और रायबरेली का इतिहास एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जो समानांतर है। रायबरेली का पॉलिटिकल इतिहास आप देखेंगे और भारत का पॉलिटिकल इतिहास, तो बहुत सारी समानताएं आपको मिलेंगी, चाहे इमरजेंसी का लागू होना, इंदिरा गांधी का वापस आना, सोनिया गांधी का राजनीति में आना, और सोनिया गांधी की रायबरेली जो अमेठी में पहली जो एक पॉलिटिकल स्पीच थी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए, उसको भी मैं बतौर करस्पोंडेंट कवर कर रहा था, 1996 की बात है राजीव। तो रायबरेली अमेठी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है, लेकिन उसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश अब इस पूरे चुनाव के केंद्र में आ चुका है, और आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अक्टूबर नवंबर में उत्तर प्रदेश के दौरे पर गया था, और उस वक्त मैंने देखा था कि काफ़ी बीजेपी के खिलाफ विरोध है। अगर इसको पॉलिटिकल पार्टियां इनकैश करना चाहें तो एक मौका है। मुझे लग रहा है कि अब रायबरेली और अमेठी के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह भी अब मैदान में, चुनाव के अखिलेश यादव, और अगर रायबरेली अमेठी से भी अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का होता है तो एकदम से उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल केंद्र में आ चुका है, और उसको एक नया ऊर्जा मिल जाएगी इस पूरे कैंपेन को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को। और जो बात तमाम विश्लेषणों में आ रही है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी 50 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लोग तो 40 की बात कर रहे हैं। तो जो ट्रेंड सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश से, वो बीजेपी के लिए बहुत आत्मघाती होगा, और धीमे धीमे
राजीव जी, उत्तर भारत में ये लहर जो दक्षिण भारत में पेन ड्राइव कांड रमन्ना का जो है अभी 14 सीटें बची हैं, वो 14 की 14 कर्नाटका की सीटें बीजेपी के पास हैं, उसमें बीजेपी के लिए हर सीट मुश्किल होगी, हर सीट, इतना वो अंदर तक पहुंच गया है। दूसरी बात, इंदौर के एकदम बैकफायर कर गया, प्रकाश जी जुड़े हुए वो बताएंगे तफसील से जी। इंदौर में राजीव जी एक मुहिम चल गई है स्थानीय तौर पे, और वो मुहिम जो है वो अक्षय बम के नाम वापस लेने के बाद हुई है, और वहाँ पे नोटा के पक्ष में एक जबरदस्त मुहिम चल रही है जी। और अगर अगर कोई मतलब किसी को श्रेय जाता है कि सूरत की तरह इंदौर नहीं हुआ, यानी वहाँ चुनाव हो रहा है, तो वो SUCI के कैंडिडेट अजीत सिंह हैं, कॉमरेड अजीत सिंह। सारे लोगों के ऊपर दबाव था नाम वापसी का, कॉमरेड अजीत सिंह दबाव में नहीं आए, उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए, इसलिए वहाँ चुनाव हो रहा है, वरना इंदौर भी सूरत के रास्ते में चल गया होता। और जो मुझे खबर है, प्रकाश जी इसको बताएंगे तफसील से, कि बीजेपी के अंदर से ये कैंपेन चल रहा है नोटा के पक्ष में, और वो कैलाश विजयवर्गीय का जो स्टाइल है फंक्शनिंग का, वो जो बीजेपी के अंदर की गुटबाजी है वो सामने आ गई है वहां पे। तो इंदौर के अंदर बहुत एक राय बन रही है नोटा के पक्ष में वोट देने की, और मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इंदौर भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा नोटा वाली कंस्टिट्यूएंसी बन जाए, अब इसका असर मध्य प्रदेश के बाकी जगह भी आएगा। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश का असर जो है वो अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की वजह से जाएगा, उसी तरीके से इंदौर पूरी तरीके से बैकफायर कर गया बीजेपी के लिए। और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने का मतलब है कि आपने जो एक राजनीतिक शुचिता होती है उसको आप लांघ गए। और आप देखिए कि मोदी जी को भी एहसास हो गया, अब मोदी जी 400 की बात नहीं कर रहे हैं, अब मोदी जी 272 की बात कर रहे हैं, नीचे आ गए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी का कैंपेन है संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर, उत्तर प्रदेश अब अखाड़ा बन गया है एक बार फिर, और उत्तर प्रदेश में कड़ा संघर्ष होने जा रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। जो 10 सीटें BSP को पिछली बार आई थी, वो सीटें कहाँ जाएंगी, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है जी। राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये दोनों, यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये दोनों क्या गुल खिलाएंगे, क्या दोनों चुनाव लड़ेंगे, पहली बात अमेठी और रायबरेली से, इसकी घोषणा का इंतजार है, हो सकता है इस कार्यक्रम के दौरान हो जाए घोषणा, सीधे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके अलावा प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ में थी और भाषण दे रही थी, और बहुत भावुक ढंग से उन्होंने भाषण दिया। पहले उस भाषण के एक और अंश को आपको दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद सीधे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आएंगे, और जहां से अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रकाश जी, वो शहर है इंदौर, और इंदौर पिछले दिनों सुर्खियों में रहा है, जिसकी चर्चा कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। और अब इंदौर में क्या सूरत हाल है, बीजेपी ने जो कुछ करना था कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कर लिया, 302-307 लगा के अपने पाले में करके सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके बाद अब जनता क्या कुछ कर रही है ये भी उनसे समझेंगे हम। लेकिन पहले सुनते हैं जरा क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी, सुनिए। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में, मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है, जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे
मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे, जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। तो एक बहुत ही भावुक ये भाषण प्रियंका गांधी का, और कह रही हैं कि 52 साल की उम्र में पहली बार मैं किसी सार्वजनिक मंच से आज अपने दिल की इस बात को, इस भावना को आप सब तक रख रही हूं। और शहादत क्या होती है, देश क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, ये सब कुछ यहां बताते हुए और इसका पाठ पढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी को सीधा हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी पर प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने उनके कई भाषणों को हम लगातार सुनते आए हैं, हम लोगों का काम ही है लोगों के भाषणों को सुनना और उसमें से खबरें निकालना, सुनते आए हैं, लेकिन ऐसा भाषण मैं भी आज तक कभी नहीं सुना था जो भाषण प्रियंका गांधी, हालांकि वाक चतुर हैं वो और अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से रखना जानती हैं, लेकिन ऐसी भावनाओं को इस ढंग से, इस मंच से व्यक्त करना अपने आप में एक अलग बात है जो प्रियंका गांधी को एक अलग राजनेता बनाता है। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, आपसे समझो जरा, एक तो प्रियंका गांधी के इस भाषण पे आपकी पहली प्रतिक्रिया भी चाहूंगा, और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा हम चलेंगे उधर भी, अमेठी और रायबरेली भी, उस पर भी आप कुछ कहना चाहें तो जरूर जोड़िएगा, लेकिन जो बात यहां पर छेड़ी है हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने, उस बात को आपके जरिए जरा और भी आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अब इंदौर में जो कुछ हुआ, सूरत में जो कुछ हुआ, जो कुछ इधर खजुराहो में हुआ, और उसके बाद चुनाव आयोग जो आंकड़े देता है उन आंकड़ों को देखिए कि 6% लगभग बढ़ोतरी हो जाती है 11 दिनों में उन आंकड़ों को, और दूसरे में 4 दिन में ही 6% की बढ़ोतरी होती है, लोग कैसे भरोसा करें कि ये चुनाव न सिर्फ ईवीएम के गड़बड़ हेर फेर घोटाले से, बल्कि एन किन प्रकार किसी भी ढंग से जीतने के लिए बीजेपी लड़ रही है, और ऐसे में जनता क्या इंदौर में जो कुछ अभी, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं जो कुछ चल रहा है इंदौर में, उसको जनता कैसे ले रही है? राजीव जी, इंदौर की राजनीति में जो कुछ हुआ उसे लोगों ने बहुत अचरज के साथ देखा। किसी को यह अपेक्षा नहीं थी कि कांग्रेस का उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेगा, वो भी ऐसी स्थिति में जब डमी उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। इस मामले में कांग्रेस की तरफ से जो डमी उम्मीदवार थे मोती सिंह पटेल, उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और उसकी सुनवाई भी चल रही है। पहले दौर में तो याचिका नामंजूर कर दी माननीय हाईकोर्ट ने और कहा कि जब नामांकन पत्र ही रद्द हो चुका है तो इस बारे में आगे हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन 10 तारीख जो है वो आगामी 10 तारीख, अब जो बीजेपी में गए हैं अक्षय कांति बम, तो अक्षय और उनके पिता कांतिलाल बम दोनों के लिए 10 तारीख एक बहुत गंभीर उनके लिए चुनौती भरा है। उसके बाद ही चुनाव है। मामला ये कि 17 साल पहले एक प्राणघातक हमले के मामले में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ था, उसमें दोनों पिता पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज है और अब इस प्रकरण में धारा 323, 506, 148, 149 ये सब लगी हुई है।
इसमें एक धारा और बढ़ गई है जो हत्या के प्रयास की धारा है 3। तो इस तरह अब अक्षय बम के सामने यहां बढ़ गई, उनके पिता के सामने बढ़ गई। इस मामले में अपने राय स्पष्ट की है। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हम किसी दूसरी पार्टी को फिलहाल समर्थन नहीं दे रहे हैं। हम मतदाताओं से निवेदन कर रहे हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में नोटा का बटन दबाएं और ये कहें कि ये कोई भी लोग हमारे मत के लायक नहीं है, नोटा का उपयोग अधिकाधिक करें। लेकिन जीतू पटवारी के इस अपील के तत्काल बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया और बीजेपी की के उम्मीदवार का कहना है कि ये कांग्रेस के नेता दुष्प्रेरित कर रहे हैं। दुष्प्रेरित शब्द उन्होंने कहा कि मतदाताओं को दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि वे नोटा का बटन दबाएं। यानी जो हमारे चुनाव आयोग की व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो नोटा का बटन दबाना दुष्प्रेरणा दुष्प्रेरित करना है। ये माननीय उम्मीदवार महोदय का ये कहना है शंकर लालवानी। हो सकता है कल को ये भी कहते कि कांग्रेस के उम्मीदवार कहते हैं कांग्रेस को वोट दो तो मतदाताओं को दुष्प्रेरित कर रहे। उससे पहले जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है हाल ही में, वो लोगों के लिए हंसी और मजाक का केंद्र बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएगी। तो अभी शकील अख्तर जी ने जो बात कही कि भाई कौन था जो पाकिस्तान गया था बिना बुलाए, कौन था जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने यहां बुला रहा था और पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएगी, ये बात माननीय प्रधानमंत्री को कैसे मालूम कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जीतता तो पाकिस्तान में खुशियां मनेगी? क्या तारतम्य है उनका और किस आधार पर वे कह रहे हैं? और इसका कोई तो आधार होगा, प्रधानमंत्री ने कहा है तो बताना चाहिए कि किस आधार पर वो कह रहे हैं। अब अगर कोई कहे कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो चीन में खुशियां मनाई जाएगी, क्योंकि चीन के से सबसे ज्यादा सामान इंपोर्ट करने वाला कोई कारोबारी समूह है तो वो अंबानी समूह है। कोई कहे कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या बीजेपी जीती तो चीन में खुशियां मनाई जाएगी तो कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि इस तरह के इस स्तर के भाषण की अपेक्षा प्रधानमंत्री जैसे ओहदे वाले व्यक्ति से तो नहीं की जाती थी। यहां तक कि पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी इस तरह की बातें नहीं करते। देश की जब बात हो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात हो, तो इस तरह की बात करना बड़ा ही हास्यास्पद होता है। अब इंदौर में ये बात तय है कि कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं है। नोटा का बटन दबाने की अपील कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और बीजेपी के नेता को लगता है कि मेरी जीत तय है ही, लेकिन उम्मीदवारों को देखते हुए जनता के मन में, मतदाताओं के मन में जो उदासी है, जो उदासीनता आई है, उसे देखकर लगता है कि इंदौर में इस बार ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम मतदान होने वाला है। ये बात चिंतनीय है। पिछली बार इंदौर से बीजेपी का उम्मीदवार 5,46,000 वोटों से जीता था, लगभग 5.5 लाख वोटों से जीता था, और इस अंतर को बढ़ाने की बात तमाम नेता करते थे। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार को अपने पाले में लेने की जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई और कोशिश ये की गई थी कि जो सूरत में हुआ वो यहां भी हो। जिन लोगों ने नामांकन वापस लिया, ऐसे दो उम्मीदवार हैं जिन्होंने याचिका लगाई और कहा कि हमने तो अपना नामांकन वापस लिया ही नहीं, हमारे नाम की घोषणा क्यों कर दी गई? अभी भी 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के उम्मीदवार के लिए रास्ता क्लियर है। और बहुत से लोग, कई उम्मीदवार ऐसे जिन्होंने अपने लिए जो मैदान में डटे हुए हैं, भले ही वो निर्दलीय हों या छोटी पार्टी के हों या स्थानीय कार्यकर्ता रहे हों अलग अलग पार्टियों, तो इंदौर का माहौल अब चुनाव में इंदौर को लेकर तो चर्चा नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये जिज्ञासा जरूर है कि कितनी संख्या में लोग नोटा का उपयोग करते हैं। और ये इंदौर के लोगों को लगता है कि इस बार इंदौर में नोटा का उपयोग देश में सबसे ज्यादा मतदाता करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार अगर
नोटा को दबाए जाने वाली मतदाता विजयी उम्मीदवार से ज्यादा होते हैं तब तो चुनाव पर उसका असर होता है, वरना कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन एक प्रतीकात्मक बात है, बीजेपी के लिए शिक्षा की बात है कि देखिए आपने जो किया है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए, और जो षड्यंत्र किया गया है, डरा धमका कर किया गया है, उस पर नई धाराएं लगाकर, उसके व्यावसायिक संस्थान पर दबाव डालकर, व्यावसायिक संस्थान पर जांच करके जो किया गया है वो बीजेपी के लिए गले की फांस बन जाएगा। और पूरे देश में ये देश देख रहा है कि किस तरह बीजेपी अपने विरोधी प्रत्याशियों को डराती धमकाती दबाती है, किस तरह वो कानूनी संस्थाओं का उपयोग करती है अपने पक्ष में और अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश करती है। राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, इंदौर का सूरत हाल हम समझ रहे थे। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं केपी मलिक साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश काफी सुर्खियां बटोर रहा है पिछले 3-4 दिनों से, तो और भी ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से या नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली या अमेठी से, ये चर्चा यानी दोनों नेताओं की, भाई बहनों की चर्चा खूब चल रही है। और ऐसे में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये दोनों अगर लड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देश की राजनीति पे। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान तक पहुँच गए, राम का नाम आज भी ले रहे थे कि ये कांग्रेस के लोग जो हैं राम को ख़त्म करना चाहते हैं और यानी धर्म को सामने लेके आ गए वो फिर से, तो बहुत सारी बातें हो रही है, पाकिस्तान को भी ले आए हैं, ये सब चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े से उतावले भी दिख रहे हैं, परेशान भी दिख रहे हैं, दोनों दिखाई दे रहा है। ज़रा आपसे समझो, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अगर राहुल और प्रियंका या अमेठी से राहुल गांधी लड़ते हैं चुनाव, तो क्या इसका असर, कितना असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, कितना असर इसका देश की राजनीति पे, और क्या ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी अगर वहां से लड़ते हैं तो पूरा फोकस इधर हो जाएगा, फिर इंडिया गठबंधन को इसमें मुश्किल आएगी, क्या कुछ आप देखते हैं, आपका नजरिया केपी मलिक साहब? राजीव जी धन्यवाद। राजीव जी देखिए, अगर राहुल और प्रियंका यूपी से लड़ते हैं, राहुल जी अमेठी से लड़ते हैं, प्रियंका रायबरेली से लड़ती है, तो एक तो ये बहुत अच्छा मैसेज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जाएगा और मेरे हिसाब से लड़ना भी चाहिए। हमें यहां हार जीत की चिंता या दूसरे मामलों की चिंता आज नहीं करनी चाहिए। आज देश में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है उसको भुनाने का यह सबसे अच्छा टाइम है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में ये लोग आएंगे, कांग्रेसियों के साथ ही बाकी जो विपक्षी दल है उनका भी मोरल हाई होगा, वहां के लोगों का मोरल हाई होगा। और मैं इसको किसान की भाषा में कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, अगर एक किसान ने अपनी फसल बोई है, वो किन्हीं कारणों से ओले पड़ गए, मौसम खराब हो गया, वो फसल खराब हो गई या हमारा नुकसान हो गया, तो किसान ऐसा नहीं है कि उस खेत को छोड़ देगा, वो दोबारा फसल बोएगा, वो दोबारा मेहनत करेगा। राहुल गांधी किन परिस्थितियों में अमेठी से चुनाव हारे थे, क्या कारण थे, वो सब चीजें सबको पता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल उत्तर प्रदेश छोड़ दें। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहिए। और जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं, जहां तक मेरी खबर है, राहुल गांधी अमेठी से जरूर लड़ेंगे और प्रियंका गांधी का भी मुझे लगभग लगभग फाइनल दिख रहा है। कल हालांकि थोड़ा सा चर्चा चली थी कि आशीष कौल लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बात नहीं बन पाएगी, ये कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के लिए नेगेटिव ही होगा। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में पदार्पण करना चाहिए और उनकी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये मेरी सोच यहाँ पे है। दूसरी, अगर आप बात करते हैं कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं और वो तमाम नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं, हर रोज अपना जो है स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, आपको बहुत ही एक हंसी की बात है या आश्चर्य की बात है कि आप देखते हैं कि 19 तारीख को वोटिंग होती, हो सकता है इस विषय पर चर्चा हो चुकी हो, मैं बाद में जुड़ा हूं, माफी चाहता हूं राजीव जी, क्योंकि रास्ते में जाम बहुत था। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ, द्वितीय चरण का मतदान 26 तारीख को हुआ, 11 दिन के बाद हमें बताया जाता है कि जो आपने 58% का जो डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिया था, हमें परसों रात को 9 बजे एक प्रेस रिलीज भेजी गई, पीआईबी की तरफ से भी मुझे प्रेस रिलीज प्राप्त हुई थी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हुई थी, उसमें बताया गया
कि जो 19 को हुआ था उसमें 66% 66.75 कुछ था और जो 26 को हुआ उसमें 66.45 था। तो आप ये देखिए कि 11 दिन में डाटा ये 8% बढ़ गया, और 8% जो डाटा आप दे रहे हैं उसमें आप खाली ये बता रहे हैं कि ये 66% है। आप सीटों के हिसाब से, लोकसभा की सीट के हिसाब से ये नहीं बता रहे हैं कि इस लोकसभा सीट पे 14,647 वोट पड़े हैं, ये डाटा अभी भी आप नहीं दे, आपने अभी भी एक ऑप्शन खुला रखा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मेरी खबर है, जो मेरी जानकारी है, इस बार इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो पोलिंग पे उनके अधिकारी थे उनको एक ऐप डाउनलोड कराया था उनके फोन में, और वो ऐप आज के हिसाब से बहुत अच्छा ऐप, इलेक्शन कमीशन ने भी उसको परमिशन दी थी और तमाम डाटा हर घंटे उस पर अपलोड किया जा रहा था, और वो जानकारी प्रेस को भी मिल रही थी हर 3 घंटे में। हर 3 घंटे में ये भी जानकारी मिल रही थी कि कितने परसेंट पोलिंग हो गया, हम लोग कई पोलिंग बूथ पे भी थे, तो एक एक चीज वहां चल रही थी। तो वो डाटा हमें मिल जाना चाहिए था रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक, अगले दिन दोपहर 12 बजे तक डाटा मिल जाना चाहिए था। 11 दिन के बाद आप एकाएक ये डाटा दे रहे हैं, तो ये क्या जताता है और हमें क्या मानना चाहिए? तो इस तरह की जो चीजें चल रही है इसका मुकाबला कौन करेगा, ये जिम्मेदारी किसकी है, इस पे सवाल कौन पूछेगा? दूसरा एक और चिंता की बात है राजीव जी, मैं आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूं, कि कल हमने एक नया नजरिया देखा है। ये जो कांग्रेस के दफ्तर के सामने कल धरना प्रदर्शन एक निजी यूनिवर्सिटी का हुआ, और उसमें एक पत्रकार ने हिम्मत करके वो बाइट ली लोगों की, और वो नजारा हमारे सामने आया कि हमारी नई पीढ़ी कहां जा रही, जिसको हम देश का भविष्य बता रहे हैं वो कहां जा रहा है? उनको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। आज मैं अपने बच्चों से बात करता हूं कि भाई ठीक है, मेरी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं एक गांव में पढ़ा हूं, तो मेरी अंग्रेजी थोड़ी वीक है लेकिन हिंदी मेरी बहुत अच्छी, हालांकि इलाहाबाद वाली हिंदी मेरी नहीं है, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि मेरी हिंदी 80% 90% तक ठीक है, अंग्रेजी मेरी कमजोर है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन तुम्हारी तो ना अंग्रेजी अच्छी ना हिंदी अच्छी है, ना तुम्हें कोई सामान्य ज्ञान है, और आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, लाखों रुपया फीस दे रहे हैं, तो हमारे ये जो भविष्य है, हमारा जो ये बच्चे हैं, ये कहां जा रहे हैं? तो इस पर भी एक विचार करने की जरूरत राजीव जी है। तो अंत में मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आपने सवाल भी पूछा जिस पे आप बहस भी कर रहे हैं, आज विपक्ष ऐसे दोहराए पे खड़ा हुआ है कि आज प्रेस क्लब में मैं कई घंटे था, वहां पे चर्चा यही चल रही है कि अब सारा रास्ता बंद कर। अब देखिए आपके खिलाफ कितने वर्ग है, किसान आपके खिलाफ है, व्यापारी आपके खिलाफ है, बेरोजगार जो युवाओं की टीम घूम रही वो आपके खिलाफ है, लेकिन आप 400 के पार हैं, तो मान लेना चाहिए कि भाई 400 के पार है, सब काम बंद करो ये। पर यहां पे सबसे बढ़िया जो, अगर आपको बाइट या टिप्पणी की बात करें, राकेश टिकैत पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई जब आपकी 400 के पार आ ही रही हैं, तो आप क्यों ये देश का इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, क्यों आप समय को जाया कर रहे हो, तो 400 पार आपकी आ गई, हमने मान ली और सरकार बनाई और चलाइए। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं देश में, और खुलेआम ये जो चीजें हो रही है, इसका क्या होगा, क्या होगा इसका? जी 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 मलिक साहब, आता हूं आपके पास, फिर से आऊंगा, लेकिन जल्दी से चलना चाहता हूं अमेठी। अमेठी में हमारी सहयोगी बुशरा खानम जुड़ी हुई है हमारे साथ। बुशरा जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? उम्मीद है आ रही होगी आवाज। और आपके पीछे मैं देख रहा हूं एक ट्रक है, और उसमें कुछ बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, बैनर्स रखे जा रहे हैं, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीर मुझे जहां तक दिखाई दे रही थी। जरा फुल स्क्रीन बुशरा जी को बगल वाले में पूरा ले आइए, तो ज्यादा अच्छे से हम देख पाएंगे, और शायद ये अपने आप में कल की तस्वीर जो है वो हम यहां से देख पाएंगे। एक बहुत अच्छी जगह पे, और बहुत ही, एक कहें तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग के साथ आप खड़ी हैं, मैं समझ सकता हूं। जरा बुशरा जी, ये जो पीछे जो तस्वीर है, फारूक कैमरामैन से भी कहिए कि जरा उसको और अच्छे से दिखाएं, क्योंकि ये जो बैनर, जो होर्डिंग जो है, ये कहीं ना कहीं बिलबोर्ड्स जो भी कह लें, ये कहीं ना कहीं कल की तैयारियां ही हो सकती हैं। क्या कुछ आपके पास जानकारी है बुशरा जी? जी राजीव जी, मैं इस ट्रक पर ही मैं चढ़ जाती हूं, और आपको इस ट्रक पे चढ़कर ही मैं आपको दिखा देती हूं।
यहाँ पर क्योंकि इसी ट्रक पर कल आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगे क्योंकि पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ, देखिए हाथ बदलेगा हालात, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। और यहाँ पर अखिलेश यादव की तस्वीर है, राहुल गांधी की तस्वीर है, ऊपर आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय राय, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी, ये आप इन सब की तस्वीर देख सकते हैं। और सेम पोस्टर ही आपको इधर नजर आएगा, यहां पर ही ये हाथ बदलेगा हालात, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, और ये और वही तस्वीर यहां पर आपको नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, आपको राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय और मल्लिकार्जुन खड़गे सब इस पर आपको नजर आ रहे हैं। और हाथ जो है वो बदलेगा हालात, मैं ये शायद उसी ऐतिहासिक कह सकते हैं कि ट्रक पर खड़ी हुई हूं जिस पर कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगे, जिसका इंतजार यहां अमेठी के लोगों को बेसब्री से है क्योंकि बस अब एक औपचारिकता भर रह गई है। आपको पता है उनके नाम के पेपर्स खरीदे जा चुके हैं, आपको पता है कि तमाम फॉर्मेलिटीज जो हैं वो की जा चुकी हैं। केसी कौशिक जो वकील रहे हैं, जो लगातार नॉमिनेशन कराते रहे गांधी परिवार का, वो अपने बेटे के साथ यहां पर मौजूद थे और अभी भी वो यहीं पर हैं। और सिंबल से लेकर तमाम चीजें, हर तरह की जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो हो गई हैं। यही ट्रक है जो अब से कुछ ही देर में सजेगा, यहां पर फूल वगैरह इस पर तमाम लगाए जाएंगे, इनको सजाया जाएगा और इस तरह से सजाया जाएगा कि जब ये पूरी अमेठी से निकलेगा तो नजारा ही कुछ और देखने के लिए मिलेगा। और अमेठी को अपने राहुल का बहुत लंबे वक्त से इंतजार है और अभी औपचारिकता भर रह गई है लिस्ट आना, लेकिन आपको पता है कल से ही हम ये खबर हमने सबसे पहले ब्रेक की थी और हम ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अभी रायबरेली को लेकर सस्पेंस है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस अमेठी है क्योंकि अमेठी से जो लगातार खबरें दिन भर हमने दिखाई और हमने बताया कि कैसे यहां पर पल पल यहां पर तस्वीर बदल नहीं रही है बल्कि एक्साइटिंग हो रही है। हर वक्त कोई एक शख्स भागा हुआ आता है और कहता है कि अब ये हो गया है और तब वो हो गया है, तो इतना सस्पेंस है, इतना थ्रिलर है इस पूरी अमेठी की इस सियासी तस्वीर में कि हम जैसे पत्रकारों को भी इसको कवर करने में मजा आ रहा है। टायरिंग है लेकिन मजेदार भी है, और क्योंकि जहां कंफर्म हो जाए कि वो कोई लड़ने के लिए जा रहा है, आपको पता है वहां कुछ आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता है। लास्ट तक तस्वीर क्या होगी ये एक तरह से जब तक वो सस्पेंस बना रहता है तभी आप ये देखें कि तमाम देश का मीडिया जो है वो यहां पर है, तमाम जिन भी बड़े चैनल्स की आप बात करें वो तमाम यहां पर मौजूद हैं। और बहुत चर्चित सीट, या मैं कहूं सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की अगर चर्चा है तो वो सीट ये अमेठी की है, ना सीट वाराणसी की, ना ही अमित शाह, तमाम वीवीआईपी सीट जो है सब पिछड़ गई है। अभी किसी की अगर बात हो रही है तो वो सिर्फ अमेठी और उसके बाद कोई सीट है तो वो है रायबरेली। कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों यहां पर होंगे, पहले पूजा पाठ किया जाएगा और पूजा पाठ करने के बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले रायबरेली में और उसके बाद अमेठी में नामांकन दाखिल होगा और पूरा परिवार यहां पर, पूरा गांधी परिवार यहां पर मौजूद होगा, पूजा की जाएगी और पूजा के बाद फिर नामांकन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीधे राहुल गांधी चार्टर्ड प्लेन से यहां पर आएंगे और उसके बाद वो नॉमिनेट करेंगे। यहां पर एक छोटी सभा भी हो सकती है, इस तरह की खबरें हैं। हालांकि रोड शो नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि राहुल गांधी के और कार्यक्रम लगे हुए तो शायद रोड शो ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ जगहों से निकले और उसी के लिए देखिए ये ट्रक जो है पूरा वो अब से कुछ देर में सजना वो तैयार हो जाएगा। दोनों तरफ आप ये देख सकते हैं बोर्ड जो लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर ये तैयार हो गए हैं और इसी तरीके से तमाम जितनी इकाइयां हैं, जिला इकाइयों से लेकर पंचायत इकाइयां जो हैं, उन सबको पूरे तरीके से तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहां पर जारी है, तमाम जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है, पूरा गहमा गहमी का माहौल है। हर कुछ देर बाद यहां पर नारेबाजी शुरू हो जाती है, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है सबको बस इंतजार है,
उम्मीदवार लिस्ट का थोड़ा लंबा हो सकता है, हो क्या हो, लेकिन वो बस अब औपचारिकता भर है और वो औपचारिकता ही मुझे लगता है कि देर रात या आपसे कुछ ही देर में पूरी हो जाएगी। अभी भी अगर आप सुन पा रहे हो राजीव जी, तो अभी भी यहाँ पर नारेबाजियां जो है वो हो रही है, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जो है वो लग रहे हैं और वो नारेबाजियां लगातार की जा रही हैं आपसे कुछ देर में, और जो कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो लगातार देखते ही बन रहा है। एक और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए ये भी एक पोस्टर जो है वो तैयार किया गया है, हाथ बदलेगा हालात, जिसमें मेन आपको प्रियंका गांधी यहां पर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव आपको नजर आएंगे। यहां पर 5 न्याय 25 गारंटियां जो है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो यहां पर हैं। आपको ऊपर भी महत्वपूर्ण चीजें आपको देखनी चाहिए, उसमें महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, मौलाना आजाद हैं और यहां पर मुलायम सिंह यादव हैं, उनकी तमाम तस्वीरें हैं और जो 5 गारंटियां हैं उन 5 गारंटियों को यहां पर इस पोस्टर पर जो है वो चस्पा किया गया है और क्या कांग्रेस करने जा रही है उस घोषणा पत्र की तमाम चीजें यहां पर हैं। तो 5 न्याय 25 गारंटियां उसकी बात यहां पर है। तो ये वो ट्रक है, ये ट्रक जो है अभी आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसको अभी इसको तैयार किया जाएगा, इसमें फूल वगैरह इसमें लगाए जाएंगे और कल के लिए इस ट्रक को भी दूल्हे के लिए तैयार किया जाएगा, यानी कि राहुल गांधी, जिनका इंतजार सबको बेसब्री से है। आप ये देखें, ये कुर्सियां हैं, ये कुर्सियां भी ये इस ट्रक में यहां पर आ गई हैं और ये कुर्सियां, शामियाने, टेंट, इन सब का इंतजाम यहां पर कर लिया गया है और आज रात इस कार्यालय में गौरीगंज के अमेठी के तमाम तैयारियां होनी है और यही ये जो पूरा जो ग्राउंड है, मैदान है जहां मैं खड़ी हुई हूं, जहां अभी अब से कुछ देर पहले गाड़ियां लगी हुई थी, वो गाड़ियां भी अब यहां से हटाई जा रही हैं क्योंकि ये कुर्सियां और यहां पर टेंट बस यहां पर लगने वाला है और कल के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि कब राहुल गांधी यहां पर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी और उनका पूरा परिवार यानी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी वो यहां पर आएंगी, पूजा अर्चना होगी और उसके बाद नामांकन होगा। और इसी ग्राउंड में शायद ये कहा जा रहा है कि शायद एक छोटी सी सभा हो सकता है कि यहाँ पर की जाए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को शायद वो संबोधित करें। तो ये आप ये देखिए, तमाम यहाँ से गाड़ियों के हटने का सिलसिला जारी है और पूजा अर्चना इसी ग्राउंड में जहाँ मैं हूँ, यहाँ बताया जा रहा है कि यहीं पर ही पूजा अर्चना की जाएगी और फिर नामांकन दाखिल किया जाएगा। जी राजीव जी। जी बुशरा जी, ये बताइए कि तस्वीर में अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं, क्या अखिलेश यादव भी कल रहेंगे इस नामांकन के वक्त? जी, इस तरह की चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं राजीव जी और ये कहा जा रहा है कि उनसे बात हुई है और उनसे ये कहा गया है कि वो राहुल गांधी के नामांकन में उनके साथ शामिल हो। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन मेरे कई यहां के जो जिम्मेदारान हैं, जो पार्टी के, उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि उनसे बातचीत चल रही है और अभी शायद उनकी तरफ से पुष्टि आनी बाकी है या फिर हम कुछ एक सरप्राइज जो है हो सकता है कल देखें जब नामांकन हो। क्योंकि आपको अगर याद हो, गाजियाबाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों नेताओं ने मिलकर की थी, तब उस वक्त भी ये बात बाहर निकल कर आई थी कि अखिलेश यादव भी ये चाहते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ें और आपको पता है कि कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तो वो दो लड़के, वो शहजादे जिनकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, लग रहा है ये दो लड़के प्रधानमंत्री की फिल्म जरूर बिगाड़ने जा रहे हैं। जी, दो लड़के प्रधानमंत्री की फिल्म, ये दो लड़के कौन हैं? एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अखिलेश यादव। और तस्वीर, एक बहुत शानदार ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों, और अभी आपने देख लिए बैनर्स जो हैं वो तैयार है और इन बैनर्स और वो जो ट्रक जिसको सजाने के लिए अब ले जाया गया है और आप देख रहे हैं कुर्सियां, चेयर्स वो आ चुकी हैं और यहीं पर टेंट लगाना है जहां पर बुशरा जी हैं और यहीं तैयारियां भी चल रही हैं, कल की तैयारियां जोर शोर से। और उन तैयारियों के बीच सबसे बड़ी बात कि शायद यहां पर अखिलेश यादव भी पहुंचे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये तीनों कल यहां मौजूद रहेंगे। और लेकिन इससे पहले रायबरेली में क्या कुछ होने जा रहा है, किसका नाम सबसे ऊपर है, हालांकि वहां भी हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का नाम सबसे ऊपर और अमेठी से जुड़ी हुई हमारी सहयोगी बुशरा खानम ये भी कह रही हैं कि प्रियंका गांधी की चर्चा वहां हो सकती है। तो ये, और इस बीच नीचे
आप देख रहे होंगे एक इस कार्यक्रम के बाद 9 बजे से। और दोस्तों एक अपील आपसे, एक जानकारी आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि हर रात अब 9 बजे एक न एक एमिनेंट जानी मानी हस्ती के साथ आप रोज एक कोई ना कोई इंटरव्यू देखेंगे। इस चुनावी रण में कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, उस पर आज हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने बात की है योगेंद्र यादव से। और योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हैट्रिक नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है ये सुनेंगे, देखेंगे 9 बजे रात को। हमारे साथ बुशरा जी जुड़ी हुई हैं, एक बार जल्दी से बुशरा जी के पास चलते हैं, फिर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और हमारे तमाम साथी इन सबके बीच भी। बुशरा जी एक चीज और समझना चाहता हूं, क्या अमेठी में और भी जब इधर राहुल गांधी की बात, नाम उनका जब सामने आया है तो दूसरा खेमा जो है उसमें कितनी हलचल है, यानी स्मृति ईरानी के खेमे में क्या हलचल है? उनके लोगों से भी बातचीत तो हो ही रही है आपकी, जरा आपसे समझूं कि बीजेपी खेमे में कितनी हलचल है। हलचल नहीं मैं कहूंगी राजीव जी, बौखलाहट है, क्योंकि उनको शायद ये लग रहा था कि यहां से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, और इसीलिए स्मृति ईरानी लगातार ये कहती हुई आ रही थी बहुत इस तरह से जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने तो कोई कंटेंडर ही नहीं है तो मैं क्या कहूं। और अब जब कंटेंडर सामने आ गया है तो बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार मेरे सामने ही जो यहां कांग्रेस के जो लोग यहां पर बैठे हुए थे, जो पदाधिकारी बैठे तो उनके पास बीजेपी वालों के भी फोन आ रहे थे कंफर्मेशन के लिए, क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि उनको शायद ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको शायद ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी। और अब उनकी स्ट्रैटेजी पूरे तरीके से बदलेगी, और जो बौखलाहट लगातार देखने के लिए मिल रही है, जिसकी बात मैंने पहले भी कही थी कि जब यहां पर स्मृति ईरानी का रोड शो हुआ था और तब कांग्रेस के कार्यकर्ता जब अपने कार्यालय के बाहर खड़े होकर उस रोड शो को देख रहे थे तो उसी रोड शो में से 40 से 45 बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी कार्यालय के अंदर घुसकर। तो इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो झेल रहे हैं, और उनको बस अब इंतजार है कि कब राहुल गांधी यहां से सांसद बने, उनका नाम पहले और उसके बाद वो यहां से हम उनको लाखों वोटों से जिताकर भेजे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार भी जब मोदी लहर थी तो सिर्फ 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी स्मृति ईरानी, और अब 5 साल में जिस तरह की नाराजगी उनको लेकर जमीन पर देखने के लिए मिल रही है, लोग जिस तरह से रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने उनको चुनकर भेजा, जो उन्होंने वादे किए थे वो बिल्कुल उसी मोदी सरकार की तरह जुमले ही साबित हुए हैं उनके तमाम। उन्होंने अगर कोई काम किया है तो सिर्फ अपना घर यहां पर बनाया है, जो चीजें यहां पर थी चाहे IIIT की बात हो या संजय गांधी अस्पताल की बात हो या कई इंडस्ट्रीज जो लगाई गई थी वो या तो बंद कर दी गई या कुछ वक्त के लिए संजय गांधी अस्पताल बंद कराया गया था और कांग्रेस ने उसकी लड़ाई लड़ी और उसको खुलवाया। तो इस तरह की चर्चाएं जो है वो यहां पर आम है, लोग महंगाई बेरोजगारी से तो त्रस्त हैं, लेकिन अमेठी की जनता जो है वो पूरी तरीके से स्मृति ईरानी से उब चुकी है और वो अब बदलाव चाहती है, और बदलाव की शक्ल में सिर्फ उनको एक चेहरा चाहिए और वो है राहुल गांधी का, और अब वो उनकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। और आप ये देख रहे हैं लगातार मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि ये टेंट लगेगा यहां पर, उसके लिए तैयारियां हो गई हैं, तमाम तरह के यहां पर जो टेंट लगने के लिए सामान आना चाहिए वो सामान आना यहां पर शुरू हो गया है। तो यही वो ग्राउंड है जहां पर आपको कल सबसे ज्यादा गहमा गहमी, सबसे ज्यादा चहल पहल, सब कुछ आपको यहीं पर नजर आएगा। मेरे राइट हैंड साइड पर तमाम कार्यकर्ता है और वो कार्यकर्ता उधर नारेबाजी कर रहे हैं और अब जश्न मना रहे हैं, और शायद जश्न में और ज्यादा अभी इजाफा होगा जब वो शायद अपनी आंखों से वो लिस्ट देख लेंगे। और उनका फिर कहना है कि यहां पर दिवाली और होली से भी ज्यादा यहां पर सेलिब्रेशन होगा, आपने कभी ऐसा सेलिब्रेशन देखा नहीं होगा, और आप यहां पर जरूर रहिएगा उसकी गवाह बनने के लिए। तो बार बार मुझे ये कहा जा रहा है, और हम यहां आपको पता है कि सुबह से यहीं पर डटे हुए हैं और तमाम अपडेट जो भी है सबसे पहले हम DB लाइव पर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बुशरा जी, आप बने रहिए, जरा मैं आना चाहता हूं अपने तमाम साथियों के बीच और उनसे भी एक जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या कुछ कहेंगे आप, जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, तैयारियां जोर शोर से, और इन तैयारियों के बीच कितना उत्साह कांग्रेस में ओवरऑल, नॉट ओनली सिर्फ न सिर्फ अमेठी में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस इंडिया गठबंधन, और अभी आपने बैनर्स देखे, पोस्टर्स देखे, उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी इंडिया की बात हो रही है, कांग्रेस की बात नहीं हो रही, इंडिया की बात, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक यूनिटी दिखाई दे रही है, ये कितना दूर तक यह बात जाती हुई दिखाई दे रही है। अनम्यूट,
जी 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 आ रही आवाज? हाँ ठीक है आ रही। जी जी अमेठी और रायबरेली की अगर हम बात करें तो मुझे अब ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार जिस मकाम पर पहुंच गया है उसके बाद अब रायबरेली और अमेठी से भी कौन खड़ा होता है इसका बहुत महत्व नहीं रह जाएगा। मुझे लगता है राहुल गांधी अब ये एक मैं दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ, हालांकि परसों तक मैं खुद कह रहा था कि यहाँ पर राहुल और प्रियंका उतरते हैं तो माहौल और कुछ बदलेगा, लेकिन पिछले दो तीन दिनों से भी आप देखिए खासकर जो रवन्ना कांड हुआ है कर्नाटक का और इसके बाद इस प्रकार से जो माहौल बदला है, ये चाहे वहां से ये दोनों भाई बहन लड़े या न लड़े लेकिन ये चुनाव उन्हीं की छाया में लड़ा जाएगा, ये बात तो बहुत पक्की है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, मतलब जिसको हम वैल्यू एडिशन कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन की ओर से ये हो रहा है कि एक तरह से दोनों अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो जिसको हम कहें कि गजब की बात होगी, यही कहा जा सकता है। दूसरी बात, मैं प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ की यात्रा के बारे में भी कहना चाहता था। उन्होंने जो कोरबा में जो भाषण दिया और चिरमिरी नाम की जगह है, देखिए कोरबा जो है आप जानते हैं कि पूरा औद्योगिक शहर है, मतलब ये जिसको हम छत्तीसगढ़ में नेहरू जी की आंखों के सपने क्या थे उसको अगर हम जब हम देखते हैं तो एक तरफ भिलाई स्टील प्लांट है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत बनाया गया था, और दूसरा कोरबा वो शहर है जहां पर NTPC का एक बहुत बड़ा प्लांट था, उसके बाद भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कई प्लांट्स हैं वहां पे, बिजली के संयंत्र हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानें हैं, बड़ी फायदे में देने वाली खदानें हैं, ये सारा का सारा वहां पर जो कुछ भी आज कोरबा जो प्रवेश कर रहा है वो पूरा का पूरा कांग्रेस की जो सरकार की जो नीतियां थी, विकास की जो नीतियां थी उसी की वो देन है। एक और हिस्टोरिक आपको छोटा सा पॉइंट बताना चाहता था राजू जी, जब 21 अक्टूबर को जब इनकी हत्या हुई इंदिरा गांधी की, उसके एक दिन पहले वो उड़ीसा की यात्रा पर थी और उसके एक या दो दिन पहले ही कोरबा में उनकी एक सभा हुई थी, बिल्कुल उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दो तीन दिनों के अंदर जहां जहां सभाएं की थी वहां उसमें कोरबा भी था। मैं नहीं जानता कि प्रियंका ने या बाकी लोगों ने इसकी ध्यान दिया है नहीं दिया, लेकिन ये भी एक हिस्टोरिक फैक्ट है जिसको कोरबा वासी आज भी बहुत ही ध्यान से उस बात को याद करते हैं। अब वहां पर जो मुकाबला है ऑलरेडी सिटिंग जो मतलब वहां पर जो है वो एक मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया और ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है शायद 4 से 5 सीटें भी निकल सकती है कांग्रेस की, ये माना जा रहा है सर्वे जो आ रहे हैं। दूसरी बात, इसलिए मुझे यूं लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा इस बात का महत्व नहीं रह गया है। अंतिम बात, अमेठी एक बहुत ही हिस्टोरिक वहां का स्ट्राइक रेट देखिए, जब ये सीट 1952 में ये जो सुल्तानपुर दक्षिण का एक हिस्सा हुआ करती थी, उसके बाद ये मुसाफिर खाना लोकसभा क्षेत्र का भी एक हिस्सा रही, शायद 1967 में ये जो है स्वतंत्र एक सीट बनी लोकसभा की, उसके बाद स्ट्राइक रेट ये है कि यहाँ से 16 बार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, तो इतिहास जो है वो सीधे सीधे जो है कांग्रेस के साथ और इस परिवार के साथ दर्ज होता है। तो मुझे लगता है कि अब जो है स्मृति ईरानी अब जी डॉक्टर दीपक जी का नेट शायद डाउन हो गया है। अमलेंदु जी जल्दी से आप तक क्या कुछ कहेंगे? अमेठी की लड़ाई तो खैर महत्वपूर्ण है ही और अमेठी में जिस तरीके से फोकस हुआ है पूरे देश का पूरी दुनिया का उससे काफी कुछ समझा जा सकता है कि ये देश अब किस तरफ जा रहा है और किस तरीके से है। यहाँ से राज्य की सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश से चुनाव खुल गया है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से पाकिस्तान पे आ गए हैं तो ये साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान जो मोदी जी का मित्र है वो चुनाव मैदान में आ गया है, मोदी जी अब रोएंगे भी थोड़े समय में। कुल मिला के ये उनकी हताशा को ही दर्शा रहा है राजनीति और ये साफ समझ में आ रहा है कि पहले और दूसरे चरण के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है उसका अक्स जो है प्रधानमंत्री की बातों में दिखाई पड़ रहा है। दूसरा ये भी समझा जा सकता है राजीव जी की जो तीसरा चरण है उसमें भी प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। एक बात राजीव जी है कि जिस तरीके से पेट्रोल रेवन्ना को लेकर के राहुल गांधी आज हमलावर हुए और जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का जो है वो टिकट आज घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बलात्कारियों के साथ या यौन अपराधियों के साथ जो है एक तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये मुझे लगता है राजीव जी एक बड़ा मुद्दा भी इस चुनाव के अंदर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये उनका मसला है, लेकिन देश की जनता राजीव जी वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को माफ करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ती है और यही प्रधानमंत्री को समझ में आ गया है। तो कुल मिलाकर राजीव जी प्रधानमंत्री का जो मित्र है पाकिस्तान उसकी एंट्री हो गई है, अच्छे तरीके से उसकी एंट्री हो गई है, अब देखना है कि बाकी किस किस की एंट्री होती है और प्रधानमंत्री जो है जब जाते हैं वापस तो यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे लौट करके कि गुजरात जाएंगे ये भी देखना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी आवाज आ रही है हमारी?
दीपक जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है दीपक जी, खैर चलते हैं सीधा शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे, बुशरा खानम की रिपोर्ट, और इधर सीसी दिल्ली, उससे आप लगातार वहां की रिपोर्ट भी आ रही है आप तक। जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या माना जाए जो बोर्ड होर्डिंग्स आपने, जो बैनर्स देखे आपने, अब इस नाम पे पुष्टि कर दी जाए अपनी तरफ से? ये पुष्टि तो कांग्रेस करेगी, हम और आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है, एक वही करेंगे और उन्हीं को करने दीजिए, उन्हीं का अधिकार है ये, हम लोगों को किसी का अधिकार लेना नहीं चाहिए। हम आपको ये बताना जरूर चाहेंगे कि राहुल का जो नामांकन होता है अमेठी से, वो हमेशा से बहुत ही जबरदस्त माहौल में होता है, और वाकई कार्यकर्ता तो आते ही हैं, जनता बहुत बड़ी तादाद में वहां आती है। राहुल जो पहला चुनाव वहां से लड़े थे 2004 में, 2004 में उनको लेकर कौन गया था चुनाव लड़वाने के लिए? प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी ने ही राहुल को वहां इंट्रोड्यूस कराया था। और प्रियंका ने किस अधिकार से? प्रियंका ने इस अधिकार से कि प्रियंका जो है सबसे पहले राजीव गांधी के साथ, जब वो बहुत छोटी थी, टीन एज, जो हमने पिछले दिनों ही बताया बॉब कट उनके बाल हुआ करते थे, तो वो वहां राजीव गांधी के साथ जाया करती थी, तो अमेठी को वो राहुल से पहले से जानती थी। और वहां पे हमने बताया ही था उस दिन आपको कि प्रियंका को सब भैया जी कहते थे, आज पूरे देश में वो दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं, सब लोग उन्हें दीदी कहते हैं, लेकिन अमेठी रायबरेली में उन्हें भैया जी कहते हैं। तो राहुल का नामांकन वहां पे एक बड़े उत्सव के तौर पे हमेशा से होता रहा है, चाहे वो 2004 हो, 2009 हो, या उसके बाद के चुनाव हो, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं वहां पे, बहुत ही तरीके से जो परंपरा है उसके अनुसार राहुल पूजा पाठ करते हैं। जब सोनिया जी फॉर्म भरती थी तो सोनिया जी भी रायबरेली में करती थी, सब कुछ पारंपरिक तरीके से वहां पे होता चला आया है। हम इन सब में बहुत बार शामिल हुए हैं, और अब जैसा कि बुशरा ने बताया कि माहौल वैसे ही बन रहा है, लेकिन जो घोषणा का सवाल है तो वो कांग्रेस को करने दीजिए आप, कांग्रेस करेगी। हाँ, हम जरूर कुछ बातें और कहना चाहेंगे जी। एक तो ये कि राहुल और प्रियंका के लड़ने से वह माहौल क्या बनेगा, ये तो अब सबने बता दिया और सबकी समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो सरकार है बीजेपी की 10 साल से, ये कितनी खोखली है, जरा इसको हम एक बार फिर से समझ लें तो आसानी होगी कि राहुल और प्रियंका के लड़ने से माहौल क्या बनेगा, और ये खोखली सरकार जो है कितनी और कमजोर हो जाएगी। अब हम खोखली क्यों कह रहे हैं? हम खोखली इसलिए कह रहे हैं, बड़ा शब्द बोल रहे हैं, कि एक टीवी की खबर से, और वो टीवी, वो मीडिया जो आपके पूरी तरह नियंत्रण में है, अब आप मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते, अब आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं, तो गलगोटिया की जो रिपोर्टिंग हुई, एक छोटी सी सामान्य रिपोर्टिंग, जैसा कि हर पत्रकार करता है, चांस की बातें कि वो सामने आ गई, और बढ़ते बढ़ते रिपोर्टर को कुछ ऐसी बातें मिलती चली गई कि वो एक लाइन पे काम करता चला गया, उस एक रिपोर्ट ने इस सरकार की नींव हिला दी, सिर्फ एक रिपोर्ट ने। और आप कल्पना कीजिए, ज्यादा नहीं कह रहे हम, दो या चार, सिर्फ दो या चार ऐसी खबरें और सामने आ जाए, खबरें तो बहुत चल रही है, पूरे देश में चल रही है, सारी दबाई जाती है, लेकिन अगर सामने आ जाए तो ये सरकार किस तरह भरभरा के गिर पड़ेगी। और मोदी जी को मालूम, मोदी जी के पास और कुछ हो या न हो, राजनीतिक रूप से ये समझ जरूर है, और इसीलिए वो अब वो सारे मुद्दे ला रहे हैं जो है नहीं। आज सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे हंसा जा रहा है तो भैंस के मुद्दे पर, भैंस छीन लेगी आपकी एक आंख छीन लेगी जी। आज हमने लिखा कि वो गांव में ये बात हो रही है, मजाक हो रहे हैं, तमाम जगह से फोन आ रहे हैं, तो वो हमने बताया उसमें कि गांव वाले कह रहे हैं कि वो एक आंख छीन लेगी कांग्रेस, तो गांव वाले कह रहे दे देंगे, हैं कहले दे देंगे क्यों, कहले इन्होंने दोनों आंखें ले रखी हैं हमारी, एक तो रहेगी हमारे पास, हम तो कुछ देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, सब कुछ इन्होंने हिंदू मुसलमान नफरत विभाजन में बांट दिया है, हमारी आंखें बंद, कान बंद, कांग्रेस आएगी एक आंख ले लेगी,
एक से तो हम देख लेंगे कुछ। आज सारे के सारे उनके भाषण जो है मजाक बन गए हैं और ये सबसे खराब स्थिति होती है। और मोदी जी को बात मालूम है कि अगर ऐसे ही मजाक बनते रहे तो जिस मजाक को राहुल गांधी को बनाने की कोशिश कर रहे थे वो आज उनके ऊपर उल्टा आ गया है। देखिए ये सब की सब घटनाएं क्या होती हैं कि जब आपका वक्त खराब आता है ना, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वे ही अर्जुन वे ही बाण, मनुष्य बड़ो नहीं होते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता है। ये इंदौर की घटना जो है ये क्या हुआ, सुमित्रा महाजन जो वहां से सबसे ज्यादा बार लोकसभा सदस्य रही, सुमित्रा महाजन कह रही है मुझे तो मालूम ही नहीं है और न मैं इसको पसंद करती हूँ। सुमित्रा महाजन का ऑफिशियल कहना है कि मुझे न मालूम है न मैं इसको पसंद करती हूँ, इसकी जरूरत क्या थी, हम तो जीत रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो वहां के बीजेपी प्रत्याशी हैं लालवानी जी, वो कह रहे हैं इस बात को, लालवानी जी सबको नहीं मालूम था। तो ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए कि अपने आप को ज्यादा चतुर साबित करने के लिए, अमित शाह जी की नजरों में ज्यादा चढ़ने के लिए श्रीमान कैलाश विजय वर्गीय जी ने किया। देखिए मैं कितनी कलाकारियां कर सकता हूं, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार खरीदने का एक कांड जो हुआ था तो उसको लेके लोगों ने बड़ी अपनी पीठ ठोकी, क्या हा हा हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें जो शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए वो तो शान की बातें समझी जा रही है। हंस हंस के खुश हो के बताया जा रहा है कि हम जनता के अधिकार को इस तरह छीन लेते हैं, लेकिन उल्टा पड़ गया। ये आप सोचिए कि किसी भी क्षेत्र की जनता, और इंदौर, इंदौर क्या है, किसी वक्त में उसको सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था मध्यप्रदेश, और वाकई उसमें जो कल्चरल है कि गणेश चतुर्थी जो है आज पूरे देश में होने लगी है, पहले महाराष्ट्र में होती थी और मध्य प्रदेश में इंदौर में होती थी, हमने बचपन से देखी है गणेश उत्सव, और वहां पे हर त्योहार हर चीजें बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की वो आर्थिक राजधानी भी थी, सांस्कृतिक राजधानी भी थी, बड़ा खुला हुआ माहौल था वहां पे, वो चुनाव भी उसी तरह होता था वहां पे, एक से एक कांग्रेस के दिग्गज भी वहां थे, सुरेश सेठ जैसे जो लड़ते थे चुनाव, होमीदाजी जैसे, तो एक माहौल हुआ करता था मध्य प्रदेश का, इंदौर का। और आज कौन वोट डालने जाएगा और क्यों जाएगा, खुद बीजेपी के लोग नहीं जाएंगे, लालवानी जी वाकई चिंता में है कि ऐसा ना हो कि लोग वोट डालने ही ना जाएं, और हो सकता है वोट डालने आदमी जाता है उत्साह में, किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए, इसमें कौन जाएगा, जी जी जी, प्रत्याशी जो है चाय पानी को भी नहीं पूछ रहा है, अब तो किसी के पास जा ही नहीं रहा है, वो तो क्या करेगा जाके। ये जो उन्होंने चुनाव का माहौल तोड़ दिया, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होने जा रही है। और इसी के साथ दूसरी बात जुड़ी हुई है कि जो चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण का डाटा जो रोक के रख लिया था, और बड़ा दबाव डालने के बाद उन्होंने बाद में रिलीज किया और बड़ा चढ़ा, और खतरनाक ट्रेंड है। जनता कह रही है कि जब तुम ही बढ़ा लेते हो वोटिंग परसेंटेज हमारा, वोट डालने का हो जाए, बढ़ा लेना, कर देना 80% खुद ही कर लेना जी। हम नहीं जा रहे डालने, वो 80% डाल लेना, तुम्हें खुद ही डाल लेना, डाला है ना अभी, फर्स्ट और सेकंड चल का ये मामला जाएगा, आगे जाएगा बहुत, ये सामान्य बात नहीं है कि हमने वोट डाला नहीं और आपने हमारा वोट लिख लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया, और आज का दिन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, कल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या होगा हम सब देखेंगे, और उसी के आधार पे एक नया माहौल बनेगा। और उसमें सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, वो नया माहौल जो भी बनेगा, ये सब भी बनेगा, वो अब मोदी जी के फेवर में जाने वाला नहीं है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्या कुछ होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। आना चाहता हूं जल्दी जल्दी प्रशांत टंडन जी आपके पास। पहले प्रशांत जी, ये जो रिपोर्ट आप देख रहे थे बुशरा की, जो सीधे वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, जुड़ी हुई थी लाइव हमारे साथ और तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर। देखिए राजीव जी, इसको जी हम लोग अपनी अदालती भाषा में अगर कहें तो सरकमस्टेंशियल एविडेंस तो पूरा है कि राहुल गांधी कल वहां से नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं, तैयारी दिख रही है। औपचारिक घोषणा अभी होनी है, जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तैयारी बेशक राहुल गांधी की ही दिख रही है।
और जिस हवाई अड्डे पर राहुल गांधी अगर कल वहां जाते हैं उनका चार्टर प्लेन उतरेगा वो हवाई अड्डा है पुरसतगंज का, राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का, राष्ट्रीय उड़ान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी भी राजीव गांधी ने ही बनाई थी। राजीव गांधी क्योंकि फ्लाइंग करियर से प्रधानमंत्री बनने से राजनीति में आए थे तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अपनी कंस्टिट्यूंसी में एक फ्लाइंग एकेडमी भी बने और वो फ्लाइंग एकेडमी वहाँ पे जहाँ उनका जहाज उतरेगा पूरे हर अमेठी रायबरेली के कोने कोने में आपको हर गांव में मोहल्ले में गलियों में लोगों में आपको कहानियाँ मिलेंगी, लोगों के प्राइवेट फोटो एल्बम मिलेंगे इंदिरा गांधी के साथ राजीव गांधी के साथ। तो अब देखते हैं कि कल कैसा जो है वो रहता है कि फाइनल फैसला आज रात तक या कल सुबह तक आ जाएगा। दूसरी बात की देखिए जो शकील जी कह रहे थे इलेक्शन कमीशन की बात, इलेक्शन कमीशन की बात ये है कि अगर वो सारे कैंडिडेट को फॉर्म सी का डेटा मिलता है तो पार्टियां चाहें तो उसको टैली करके इलेक्शन कमीशन के डेटा से मैच कर सकती हैं, अभी भी उनके पास वो अख्तियार है। वापस मैं लौटता हूँ रायबरेली के मामले पे, देखिए ये आसान फैसला नहीं था, बहुत कांग्रेस ने क्योंकि राहुल गांधी चुनाव हार गए थे वहाँ से और कांग्रेस ने मेरी जानकारी में कई सर्वे कराए हैं, फीडबैक लिया है कार्यकर्ताओं से, बहुत तरीके से काम वहाँ पे अमेठी में हुआ है और उसके बाद ये फैसला होगा। ये बात को ध्यान में रखते हुए कि देखिए अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो किसी भी दिन राहुल गांधी वहाँ भारी हैं, 2019 में भी वो भारी थे, लेकिन मसला ये है राजीव जी कि स्मृति ईरानी अकेले नहीं है, स्मृति ईरानी के साथ चुनाव आयोग है, स्मृति ईरानी के साथ कॉरपोरेट है, स्मृति ईरानी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का ब्यूरोक्रेसी है, स्मृति ईरानी के साथ वो गोदी मीडिया भी है, तो इन सब के साथ राहुल गांधी को मुकाबला करना होगा। मेरे ख्याल से ये फैसला तभी हुआ होगा जब इन सब चीज़ों को इंश्योर कर लिया गया होगा कि इसके बावजूद भी। और एक आखिरी बात राजीव जी, मैं वाराणसी के बारे में बात कर लिया, अगर वीआईपी कंस्टिट्यूंसी की बात हो रही है तो पिछली बार मोदी जी ने अपना रिकॉर्ड इम्प्रूव किया था, 4,80,000 वोट से जीते थे, लगभग 3,500 से पिछली बार जीते थे 2014 में, 2019 में वो 4,80,000 वोट से जीते थे जी। मेरा आकलन है कि इस बार ये विक्ट्री मार्जिन इनका काफ़ी कम हो सकता है, और विक्ट्री मार्जिन जीत हार की बात नहीं है, विक्ट्री मार्जिन भी कम होता है तो ये भी संदेश जाएगा कि लोग मोदी जी को नापसंद कर रहे हैं, तो देखते हैं जी। बिल्कुल, विक्ट्री मार्जिन अगर कम होता है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो फिर एक पसंदगी नापसंदगी की बात भी यहां पर दिखाई देगी। केपी मलिक साहब, आपके पास आना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, ये खबरें तो हम आप देख ही चुके अमेठी और जिसके बारे में हम लोग बात कर भी रहे थे, अब आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि होना बाकी है लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी के पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, होर्डिंग्स तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी लगभग फाइनल दिखाई देते हैं। कितना असर पड़ता हुआ खासकर जो पूर्वांचल का एरिया जिसके बारे में अभी बता रहे थे प्रशांत टंडन जी, अगर बनारस देखा जाए प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, उस पर कितना प्रभाव पड़ता हुआ यहां से अगर एक मजबूत फाइट होती है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि ये नाम सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, नाम जो आ रहा है वो इंडिया गठबंधन का आ रहा है, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूँ क्योंकि पश्चिम की हवा क्या उधर तक गई है। राजीव जी, मैं पहले ही कह चुका हूं अगर अमेठी से राहुल गांधी जी लड़ते हैं, जो मुझे अभी भी तक भी उम्मीद है वही लड़ेंगे, इसका उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। आपको याद रखना चाहिए कि आज ही भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के का टिकट फाइनल किया है।
तो अभी आप देख रहे थे, हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा एक छोटा सा व्यवधान आया, लेकिन इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें आपने अभी देखा कि कैसे वहां पर अमेठी में तैयारियां चल रही हैं और एक ज़ोरदार तैयारी अमेठी में चल रही है। उन तैयारियों में सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी का पोस्टर वहाँ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अभी तक, हालांकि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो, प्रियंका गांधी क्या रायबरेली से लड़ेंगी इसकी घोषणा भी हो, इसका भी हम इंतजार कर रहे हैं। और कल अमेठी में रोड शो भी है, ऐसा कहा जा रहा है कि अमेठी में रोड शो भी है और कांग्रेस रोड शो कर रही है, रोड शो की इजाज़त मिल गई है अमेठी में। कांग्रेस पार्टी कल रोड शो करने वाली है और उसके साथ साथ नामांकन होगा, यानी कि राहुल गांधी एक रोड शो के साथ नामांकन स्थल तक पहुंचेंगे और वहां पर राहुल गांधी का नामांकन होना है। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूँ। प्रकाश जी, अमेठी का जो घटनाक्रम है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, अब एक रोड शो की इजाजत भी मिल गई है। राजीव जी, स्मृति ईरानी विपक्ष में रहते हुए जिस तरह की बातें करती थी, जब गैस महंगी हुई उन्होंने कुछ नहीं कहा, मणिपुर में महिलाओं के साथ जाती हुई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं होगा महिलाओं पर अत्याचार वाली बीजेपी के नारे थे लेकिन क्या हुआ उन्होंने कुछ नहीं कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और अभी जो ताजा तरीन मामला है जिसमें सैकड़ों महिलाओं के साथ ज्यादती की बात है, तो स्मृति ईरानी गूंगी उड़िया हो गई हैं। तो लगता है कि जो महिला इतनी वाचाल हुआ करती थी, इतने डायलॉग बोलती थी, वो कहाँ चली गई। तो ये सारे सवाल जब अमेठी के होंगे तो वो अमेठी के सवाल नहीं होंगे, पूरे देश के होंगे। लोग जानना चाहेंगे कि अब स्मृति ईरानी क्या सोचती है, क्या महिलाओं पर अत्याचार रुक गए, क्या गैस का सिलेंडर सस्ता हो गया, ये सारे मुद्दे लोगों के जुबान पे आएंगे। दूसरी बात है कि अब अमेठी पर पूरे देश की निगाहें होगी और चुनाव का नतीजा जो भी हो इससे बीजेपी की चुनौतियां बढ़ जाएगी और कांग्रेस को लेकर पूरे देश में एक नया माहौल बनेगा। बात अमेठी की नहीं है, कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की और पूरे भारत की है। राजीव जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं अमेठी को लेकर, अब रोड शो की इजाजत भी है और ये साफ, जो अभी हम लोग खबर ब्रेक कर रहे थे बिल्कुल उस खबर की पुष्टि करता है जो आगे की जो खबरें आ रही हैं उस आधार पर देखा जाए तो, क्योंकि अभी अभी ये खबर भी आ रही है कि अमेठी प्रशासन ने राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को खासकर, रोड शो की इजाज़त कल दे दी है और कल राहुल गांधी प्रियंका गांधी का कहीं भी कोई भी कार्यक्रम अभी तक नहीं लगा है। निश्चित तौर पर राजीव जी, और कल भी हम लोगों ने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि राहुल गांधी का नाम जो है लगभग फाइनल हो गया है और केवल घोषणा होना बाकी है, और आज भी राजीव जी हम लोगों ने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि वहां पर्चा खरीद लिया गया है राहुल गांधी के नाम का और तैयारियां शुरू हो गई है, पोस्टर बन के आ गए हैं। तो हम लोगों ने ये बताया था राजीव जी, वो लगता है कि हमारा आज रात में शायद घोषणा हो जाएगी, और ये भी हो सकता है राजीव जी की कल सुबह ही टिकटों की घोषणा होगी, कौन टिकट किसको कहाँ से मिल रहा है अमेठी रायबरेली से। शकील जी बैठे हैं, शकील जी वो याद होगा कि 1981 में जब राजीव गांधी गए थे अमेठी में तब भी यही हुआ था कि आखिरी दिन जो था उनकी नाम की घोषणा हुई थी, आखिरी दिन ही जाकर के राजीव गांधी ने अपना पर्चा फाइल किया था राजीव जी। तो ये एक तरीके से जो आखिरी समय में चौंकाने वाली जो कांग्रेस की रणनीति है, मुझे लगता है कांग्रेस अब उस पर आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से गुना में जब अटल बिहारी वाजपेयी लड़ रहे थे तो माधवराव सिंधिया को आखिरी समय में शाम के 4 बजे हेलीकॉप्टर से उतार करके वहां चुनाव लड़ा दिया गया था और अटल जी उसमें हारे थे। तो ये राजीव जी जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीति, मुझे लगता है कांग्रेस उस पर आगे चल के काम कर रही है और अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने का संदेश केवल अमेठी में नहीं जाएगा राजीव जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में और जो 5 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं इन सब में इसका जबरदस्त तरीके से असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये संदेश जाएगा कि राहुल गांधी वाकई जो है वो अब प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट एक तरीके से हो गए हैं और इस पर तैयारी चल रही है। क्योंकि अमेठी से लड़ने का मतलब स्मृति ईरानी को हराने के लिए नहीं है राजीव जी, इसमें स्मृति ईरानी को तो कोई भी वहां से खड़ा हो जाए वो हरा देगा, वहां का वो साधारण कार्यकर्ता भी हरा देगा। तो ये जो राहुल गांधी का जो नाम तय किया गया वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में हवा बनाने के लिए, गठबंधन की मजबूती के साथ चुनाव में उतरने के लिए और ये संदेश देने के लिए कि गठबंधन अब सरकार बनाने जा रहा है, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज हमले किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के बातें की हैं,
और जिस तरीके से कहा है कि भैंस को छीन के दे जाएगा, तो ये साफ तौर पर बताता है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की भैंस जो है वो पानी में चली गई है। जी 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 शकील जी, क्या रात को उम्मीद करें कि रात को ये आधिकारिक घोषणा हो जाएगी? जी कभी भी हो सकती है, किसी भी अब तो क्षण ही कह सकते हो आप, किसी भी क्षण हो सकती है वो, कि जब आपको वो लिस्ट मिल जाएगी कि सिर्फ यही दो सीटें बची हैं अब इन्हीं पे अनाउंसमेंट होना है, तो ये कभी भी हो सकती है। मगर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां पूरी हैं और जो अमेठी और रायबरेली में लोकल व्यवस्थाएं देखते हैं जो लोग जो वहाँ के कांग्रेसी हैं जो बहुत सालों से देखते रहे हैं, उनकी तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं और सबसे बड़ी बात ये जो है कि इस खबर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है वो जबरदस्त है, और सबसे बड़ी जरूरत आज इसी चीज की थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वापस उत्साहित हो सके, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लगातार कई चुनावों से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं जा रहा है। मगर ये लोकसभा जो है फिर से शायद 2009 का इतिहास दोहराने जा रही है। 2009 में आपको मालूम है कि कांग्रेस ने यूपी से 22 सीटें जीती, 22 सीटें, और इस बार जो हालत है जो अभी हमने बताया भी कि करीब 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव बाकी है, अभी दो चरण में चुनाव हुए हैं और वो 16 या 17 सीटों पर हुए हैं, इस टाइम गिन नहीं रहे उनको कितने हुए हैं, इतने ही हुए हैं, तो अभी 60 से ऊपर सीटें जो हैं यूपी में बाकी हैं, और इस वक्त समाजवादी पार्टी ने भी वहां जबरदस्त माहौल बना रखा है जी। अभी आपको एक बात और बता दें, समाजवादी पार्टी का जिक्र आया कि भैंस का जिक्र क्यों किया मोदी जी, ये जो है यादव अब बीजेपी के साथ नहीं आ रहा है, ये मोदी जी के समझ में आ गया। अभी इससे पहले हमने कहा था कि मोदी जी समझ सारी बातें लेते हैं, बहुत सालों से राजनीति में वो समझ गए, पहले उनकी समझ में आ गया था कि महिलाएं नहीं आ रही हैं तो उन्होंने मंगलसूत्र की बात करी, मंगलसूत्र की बात ऐसी नहीं करी थी उन्होंने, उन्हें मालूम पड़ गया था कि महिलाएं नहीं आ रही हैं तो उन्होंने मंगलसूत्र की बात करी। अब तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव इन दोनों ने वो चीज वापस विकसित कर ली है जो लालू जी और मुलायम सिंह जी करते थे जी। ओबीसी और ओबीसी के खासतौर से यादव वोट जो है एकजुट हो गया है, अखिलेश ने वो बात याद दिला दी थी कि याद रख लो कि मेरे मुख्यमंत्री निवास खाली करने के बाद इसे इन्होंने गंगा जल से धोया था, मतलब मैं कोई अपवित्र जीव था, उस अपवित्र जीव को निकाले जाने के बाद उन्होंने उस मुख्यमंत्री निवास को पवित्र किया था जी। वो बात यादवों को बहुत गहरे तक खबर शकील जी एक खबर देना चाहता हूं, उधर रायबरेली से खबर आ रही है कि चारों तरफ प्रियंका गांधी की तस्वीरें पोस्टर लग गई हैं। जी हाँ, अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे संदर्भ आ जाते हैं, और बता दें हम आपको कि 2004 से उससे पहले हम जो राजीव जी की बात बता रहे थे, राजीव जी के टाइम से रायबरेली और अमेठी की सारी व्यवस्थाएं प्रियंका गांधी ही देखती थी, अब तो वो सार्वजनिक राजनीति में आ गई हैं, पूरे देश में दौरे कर रही हैं, और आप देख रहे हैं कि उनके भाषण जो है अभी आपने सुनाया छत्तीसगढ़ वाला भाषण कितना मार्मिक भाषण था, पूरे देश में धूम मचाए हुए है जी। तो ये भाषण अभी यूपी में नहीं हुए हैं, याद रख लीजिए आप, ये सारे भाषण जो चार पांच बड़े बड़े भाषण हुए हैं उनके, कि मेरी माँ का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हो गया, या मैं अपने पिता के टुकड़ों में शव उठा के लाई थी, ये सारे यूपी के बाहर हो रहे हैं। तो जब ये भाषण यूपी के अंदर होंगे तो इनका क्या असर होगा? मोदी जी को प्रियंका गांधी हमेशा से ऐसे ही कड़े जवाब देती रही है रायबरेली अमेठी से, जो हमने पिछली बार आपको बताया भी था कि कैसे जवाब दिए थे, रायबरेली से ही कहा था प्रियंका गांधी ने कि मैं राजीव गांधी की बेटी जी, मोदी जी ने कहा था कि मेरी बेटी समान उनका, मैं राजीव गांधी की बेटी। तो ये पोस्टर लग रहे हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं, ये सारी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो हम आपसे कह रहे थे वो ये है कि जो मोदी जी भैंस का जिक्र लाया है वो इसीलिए लाए क्योंकि समझ में आ गया था, पिछली बार जो है 2019 में यादव वोट काफी टूट के गया था मोदी जी की तरफ, अब वो नहीं जा रहा है, दलित नहीं जा रहा है,
वो ऐसी स्थिति में ही ये सारी बातें की जा रही हैं, कभी पाकिस्तान को ला रहे हैं, कभी किसी को ला रहे हैं। अब इस पे तो सारा गांव, देहात, शहर सब हंस रहा है कि भैंस खोल के ले जाएंगे जी। अरे कोई भैंस खोल के ले जाता है ऐसे? कोई भैंस खोल के जाने देगा ऐसे? मंगलसूत्र छीन के जाने देगा ऐसे? घर में से सोना लेके जाने देगा ऐसे? तो ये तो अब हंसी की बातें हो गई है सारी की सारी। और अगर ये कल हो जाता है जैसा की संभावना है अमेठी और रायबरेली का, तो फिर आप देखेंगे कि भाषणों में क्या क्या आएगा इसका तो अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। अब तो वो कुछ भी कह सकते हैं कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, या कुछ भी कह सकते हैं। सिर्फ एक बात के कि राहुल ने ये कह के बड़ी गड़बड़ कर दी कि रोएंगे। अब वो रोने वाले नहीं है, राहुल को तो गलत साबित कर रही है हरहाल में, तो बाकी सब कुछ कर सकते हैं, देखिए क्या क्या होता है। नहीं, राहुल गांधी को हमेशा उन्होंने सच साबित किया है, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, कोरोना का मामला हो, इन तमाम मामलों में राहुल गांधी को और अभी तक जो बातें जिस ढंग से चल रही हैं इस चुनाव में भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच साबित करते आए हैं। तो आप ये मत कहिए कि वो नहीं रोएंगे। प्रधानमंत्री को बहुत जल्दी सेकेंड फेज हो चुका है, तीसरे फेज के बाद आप देखेंगे कि शायद ये भी करते हुए नजर आएं। प्रशांत टंडन जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर दीपक जी के पास जल्दी से आऊँगा। उनकी बातें उस समय अधूरी रह गई थी, उसको पूरी करना जरूरी है। लेकिन प्रशांत जी, रायबरेली भी अब सजकर तैयार है और पोस्टर्स बैनर वहां लग गए हैं प्रियंका गांधी के। इधर अमेठी में एक शानदार जोरदार रोड शो की तैयारी चल रही है और अभी आपने देख लिया पोस्टर बैनर राहुल गांधी के, यानी ये लगभग कहा जा सकता है कि प्रियंका और राहुल गांधी अब चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। राहुल गांधी पहले से कूदे हुए हैं, प्रियंका भी यानी डेब्यू करने वाली नजर मतलब लग रही हैं। राजीव जी, बारात तो तैयार है, दूल्हा गोड़ी में बैठ जाए जी, तब देखा जाए। और दूसरी बात की जो शकील जी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी की फरमाइश जो है रोने वाली, उसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। और एक और बात है, एम्बुलेंस को भी आना है। एम्बुलेंस को प्रधानमंत्री के काफिले से रास्ता देने वाला भी अभी एक ड्रिल है जिसका इंतजार है जी। ये तमाम सारी टीम इसका देश इंतजार कर रहा है राजीव जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा बस आखिरी कमेंट डॉक्टर दीपक पाचपोर जी क्लोज कीजिए और फिर इस कार्यक्रम को समेटें हम। जी 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 जी, मैं बस एक मिनट के अंदर खत्म कर लूंगा बात को। पहली बात तो देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है कि मैं जैसे जैसे पावर प्लांट्स की बात कर रहा था छत्तीसगढ़ के, वैसे ही लाइट जा रही है मेरे इलाके में बार बार। तो लेकिन मैंने उस समय जब ये कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़े या न लड़े उनका असर होगा, तो इसका मतलब मैं उसके महत्व को कतई खारिज नहीं कर रहा हूँ। मेरा केवल ये कहना है कि एक तरह से पिछले 10 सालों में मोदी जी का प्रयास क्या था, उनका प्रयास ये था कि नेहरू गांधी परिवार को ही खारिज कर। लेकिन आज स्थिति ये है कि पिछले कुछ समय से आप देखिए पिछले जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसमें राहुल गांधी का इनिशिएटिव, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, पहली और दूसरी यात्रा हो, या उनका संसदीय जीवन में आना वगैरह वगैरह, वैसे डिमांड लोगों की ओर नहीं थी जैसे कभी सोनिया गांधी के बारे में की गई थी कि सोनिया जी। फिर शायद लाइट चली गई, क्योंकि लगातार जब जब लाइट की बात कर रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, लाइट चली जा रही है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबका, एक लंबी चर्चा में आप लोग बने रहे। और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे केपी मलिक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। और लगातार दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं और अमेठी, अब तो रायबरेली से भी खबर आ रही है कि रायबरेली में पोस्टर्स लग गए हैं और वहाँ पर प्रियंका गांधी के आने की तैयारी